दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एनआर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिलासपुर। सोमवार को सुंदरनगर निर्वाचन क्षेत्र में डहरमेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा में सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे। उन्होंने सांसद रामस्वरूप शर्मा के पक्ष में थोक में वोट करने की अपील की। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में माहौल बन रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगी और कांग्रेस गांधी परिवार मुक्त हो जाएगी। पंडित सुखराम व आश्रय शर्मा पर सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि पोते ने दादा का मूड खराब कर दिया है और दादा पोते को सब कामों में जल्दी लगी हुई है, वे सब काम जल्दबाजी में कर रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि वीरभद्र सिंह को मुझे गाली देने के लिए उकसाया जा रहा है। सुखराम व वीरभद्र सिंह के गले मिलने वाली फोटो पर सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह से किसी ने पूछा कि गले मिले क्या दिल मिला, तो वीरभद्र सिंह ने कहा कि गले मिले लेकिन दिल क्यों मिलना है, क्या शादी करनी है, जिस पर पंडाल में खूब ठहाके लगे। दादू के पोते ने खराब कर दिया है, पोते ने दादू का मूड खराब कर दिया। मुझे मालूम नहीं भाई, दादू को बहुत छेका लगा है, बहुत जल्दी लगी है, क्या भी करना जल्दी चाहिए बोलते। आप कल्पना करो, हमने 15 मिनट में निर्णय किया और कांग्रेस वालों ने 4 टिकट को 20 दिन लगाए और 3 किश्तों में टिकट जारी किए। ये पहली बार मैंने देखा हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने वालों ने मना कर दिया कि लड़ना नहीं भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोलते टिकट। वो बोल रहे टिकट ले लो, बोलते नहीं चाहिए बोलते हैं। हमने कहा क्यों नहीं चाहिए भाई, एक नेता को हमने बोला, मैंने कहा आप तो बड़े नेता थे, आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए थे। बोलता हाँ नहीं, सर्वे में तो मेरा नाम था, ऊपर था बोलते। मैंने कहा फिर क्यों नहीं, बोलते मैंने सोचा कि कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे, ये रिवाज है कांग्रेस पार्टी में, सारी पार्टी एक परिवार में सीमित करके रखना, ये कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में जो है एक अभियान है, एक कार्यक्रम है। और उसी सिलसिले में अभी मैं कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में पूरे देश भर में एक परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है, हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, वहां कांग्रेस जो है गांधी मुक्त होने जा रही है, गांधी मुक्त होने जा रही है। आपकी बात जो है अंतिम एक्सपेरिमेंट, जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग, प्रयोग शब्द है, यह अंतिम प्रयोग है कि गांधी परिवार के अंतिम कड़ी के जो नेता क्या जो परिवार के जो सदस्य है, क्या नाम उनका, प्रियंका गांधी, उनको भी मैदान में लाया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए डहर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चांदपुर, जिला बिलासपुर, यहां पर सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी, आईपीडी, आपातकाल, फार्मेसी, एम्बुलेंस सेवा, सभी मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ हाईटेक ओटी, डीलेक्स एसी रूम, जनरल वार्ड, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल, हाईटेक प्रयोगशाला और डिजिटल एक्सरे सुविधा उपलब्ध। ऑर्थो और न्यूरो की सुविधा भी शुरू। बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमने हाल ही में एनआर हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी की सुविधा जो है शुरू करी हुई है। अब लोगों को इसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ या शिमला जाने की जरूरत नहीं है। जो भी दुर्घटना वाले केसेस होते हैं हम उनको यहीं ट्रीट कर रहे हैं और लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है समय रहते। इसके साथ ही हमने यहाँ पे घुटने और कुल्हे बदलने के लिए भी के जो ऑपरेशन है वो भी शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9736514253, 9816142532।